अनोखी आवाज में आप सभी प्यारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चित्रकूट के जगत गुरु राम भद्राचार्य दिवांग राज विश्वविद्यालय में आधुनिक जीवन में ऋषि परंपरा विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में निहित 2 प्रमुख सिद्धांतों को विश्व मंच पर पेश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की। भारत देश आज वह नहीं है जो 10 साल पहले था, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक ऐसे मार्ग पर अग्रसर है जिसे पूरा विश्व पहचानता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ऋषि परंपरा का मूल मंत्र ही है कि हम वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। पूरे विश्व ने भारत का लोहा माना जब G20 में हमारा मोटो था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। दुनिया में जब भी लोगों ने अशांति महसूस की, अंधकार दिखा, तो उनका रुख भारत की ओर हुआ। ऋषि पर चंपार की वजह से ही भारत जल थल आकाश और अंतरिक्ष में बहुत बड़ी छलांग लगा रहा है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि किसी भी समस्या का समाधान विचार विमर्श से ही संभव है। उन्होंने जगत गुरु राम भद्राचार्य की स्मृति की सराहना की। बताया कि वह पहली बार जगत गुरु से अपनी पत्नी के साथ मिले थे। जगत गुरु ने एक माइक्रो सेकंड भी नहीं लगाया और पत्नी का नाम बता दिया। उन्होंने कहा कि ऋषि परंपरा राष्ट्र प्रेम में राजनीति की इजाजत नहीं देती। ऋषि मुनियों के मुंह से निकला वाक्य निर्णायक रहा है। इसी वजह से ही हमारी सांस्कृतिक परंपरा 5000 साल से जीवित और जीवंत है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की आजादी के बाद पहली बार उपराष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ है और वहां आपका पद अर्पण होना अति आवश्यक है। कार्यक्रम के अंत में स्वामी राम भद्राचार्य ने उपराष्ट्रपति को यह आश्वासन दिया कि वह जब दिल्ली आएंगे तो चाहे एक दिन ही क्यों ना रुकें, उनके घर जरूर आएंगे। शिक्षा वो चीज है जो न तो चोर आपसे ले जा सकता है, न शासन आपसे छीन सकता है, न भाई भतीजे रिश्तेदार दोस्त छीन सकते हैं। इसमें कोई कटौती नहीं कर सकता है। ये बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी जितनी आप इसको शेयर करते जाओगे। देश में एक महायात्रा चल रही है, मैराथन मार्च फॉर डेवलप भारत 2047। एवरीवन इज स्टेक होल्डर इन दैट मार्च। और इस मार्च में ये जो बड़ा हवन हो रहा है, इस हवन में हर कोई अपनी आहुति दे रहा है। एक आहुति हमारी ये भी लगनी चाहिए कि हमने हर 6 महीने एक व्यक्ति को साक्षर किया। और ये आहुति विल रेज आवर हैप्पीनेस लेवल, आवर सेटिस्फेक्शन लेवल। लिटरेसी यदि आप एज अ मिशन लोगे, पैशन मोड में रहोगे, तो मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि जो हम आज सोच रहे हैं कि हमारा देश प्राचीन समय में जो हमारी स्थिति थी वो प्राप्त कर ले। दुनिया में थोड़ी नजर फैलाई है, नालंदा तक्षशिला ऐसी संस्थाएं कहां दिखती थी पहले। हमें उसी रास्ते पर है। देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कितना प्रयास कर लो कुछ नहीं कर पाएगा। द राइज ऑफ भारत इज अनस्टॉपेबल, द राइज इज इंक्रीमेंटल, द राइज इज कंटिन्यूअल, द राइज इज अशोर्ड। इजाजत दीजिए और देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।